हलवा बलरामपुर में नववर्ष के स्वागत में 36 दिवसीय चतुर्वेद शतकम महायज्ञ की समाप्ति हुई, जिसमें सप्तनिक यज्ञमान डॉक्टर नितिन कुमार शर्मा, डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा सहित दर्जनों यज्ञमानों द्वारा आहुति दी गई। इस कार्यक्रम में पंडित जुगल किशोर आर्य यज्ञ के बहमा थे, वहीं पंडित नरेश दत्त आर्य तथा पंडित दीप चंद्र आर्य ने भजन सुना और क्रांतिकारी स्वामी शिवानंद सरस्वती ने नववर्ष पर विशेष प्रकाश डालते हुए महत्ता बताई। वहीं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न महापुरुषों के नाम के बैनर दिए 21 टोलियों में लगभग 400 मोटरसाइकिल सवार अपने टोली नायक के नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए रामलीला मैदान में जाकर गोष्ठी व जलपान कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। देश आजाद हो चुका है, लेकिन पहली जनवरी को हम गुलामी का प्रतीक नया साल मनाते हैं, जबकि चैत शुक्रदा हमारा नया वर्ष। ये है 1,96,08,53,120 बरसात पूरे हुए और 120वां प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से सृष्टि का नया वर्ष, इसी दिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, इसी दिन वेदों की उत्पत्ति हुई थी, इसी दिन महाराजा रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ था, महाराज युधिष्ठिर का इसी राज्याभिषेक हुआ था, इसी दिन कलयुग लगता है, इस दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसी दिन डॉक्टर केशवराव बलराम भेटवार का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हमारे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथि है, इसे पूरे देश के लोगों से हमारा अपील है कि वो चैत्र वाले